क्लास 11 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में वैश्विक महामारी कोरोना लगातार फैलने का काम कर रही है, तो सभी बच्चे घर पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ पढ़ने का कार्य करते रहें। इसी उद्देश्य से हम टीचर्स, संपूर्ण टीचर्स जो एचडीएस स्कूल के हैं, वो आपको लाइव क्लास पढ़ाने का काम कर रहे हैं और सभी बच्चों से ये आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपने एचडीएस स्कूल में एडमिशन लेने का कार्य करें, ताकि एक सही शिक्षा, एक सही अनुशासन, एक सही स्वास्थ्य के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके, आप बहुत अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर हो सको। इसीलिए मैं सारे बच्चों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने साथियों को, अपने आसपास के लोगों को ये मोटिवेट करिए कि हमें एचडीएस स्कूल में पढ़ने का काम करना है। और इसलिए पढ़ना है, उसका एक कारण है क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फियर है वह कोविड फ्री है, बहुत नेचुरल है, हेल्दी एजुकेशन है, वहाँ पे स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। सारे बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उत्साहित करें, ताकि हमें इस प्रकार का रूप से जो बच्चे हैं वो हेल्दी एजुकेशन को लेने का कार्य कर सकें। तो इसी आशा के साथ मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर बरालम, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि वीडियो हम बेटा हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत देख चुके थे कि हमने ई अपॉन एम का जो नियम था उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, मिलकर के प्रयोग के बारे में चर्चा कर ली थी। उसी क्रम में हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज इलेक्ट्रॉन की विशेषता के बारे में उनसे बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जे जे थॉम्सन तथा मिल्टन ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन द्रव मतलब पदार्थ का एक मौलिक कण है, जिसका नामकरण स्टेनी नामक वैज्ञानिक ने किया। इसकी कुछ विशेषताएं याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की प्रमुख रूप से इसके बारे में किसने सिद्ध करने का कार्य किया, जे जे थॉम्सन और मिल्टन ने अपने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि यह पदार्थ का एक प्रमुख रूप से मौलिक कण है, मतलब इसके बिना पदार्थ के निर्माण का कार्य नहीं किया जा सकता। और इलेक्ट्रॉन का जो नामकरण करने का काम किया किसने किया, स्टेनी नामक वैज्ञानिक ने इसके नामकरण का क्या किया कार्य किया। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर एक, सबसे पहला देखिए लिखा है, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का ऋणावेशित मौलिक कण। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु का एक ऋणावेशित मौलिक कण है जिसे सामान्य रूप से ई के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया। याद रखना, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु के अंदर उपस्थित ऋणात्मक आवेश, मतलब इसके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश जो होता है वो उपस्थित करता है, कार्य करता है। इसे हम किसके द्वारा लिखकर प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई के द्वारा लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। और किसी नाभिकीय अभिक्रिया के अंतर्गत बात करेंगे तो किसी नाभिकीय अभिक्रिया में पूर्ण रूप से -1e^0 या -1β^0 के द्वारा इसको लिखकर प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। दूसरे पॉइंट में आइए, लिखा है इलेक्ट्रॉन पर -1.602×10^-19 कूलम या -4.808×10^8 ESU ऋणावेश जो होता है उपस्थित रहने का कार्य करता है। इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, थर्ड पॉइंट देखिए, लिखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1, मतलब H परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/1887 हाथ के बराबर रहने का क्या करता है, कार्य करता है। आगे आओ, आगे देखिए, पूरा आगे आइए, आगे देखिए, लिखा है इसकी त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो होती है 2.8×10^-13 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है। पांचवे पॉइंट पे आप लिखा है, यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर विभिन्न कोशों में गति करने का कार्य करता है। लास्ट टेंथ में आप जब पढ़ते थे तो बीच में ऐसा नाभिक बना लेते थे, इसके अंतर्गत लिखते थे प्रोटॉन और लिख देते थे न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर प्रमुख रूप से ऐसे कोष बना लेते थे और कोष के बीच में प्रमुख रूप से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो थे वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करते थे, कार्य करते थे, ऐसे रहते थे, नहीं रहते थे। तो विशेष तौर पर याद रखना कि जो प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन प्रमुख रूप से पाए जाने वाले नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षक में गति करने का क्या करता है, कार्य करता है। अगले पॉइंट पे आप लिखा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण उसके वायतर कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के विद्यमान रहने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे इसमें एक रासायनिक गुण के बारे में अगर हम बात करें, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करते हैं, जो तत्व प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को, जो तत्व
अपने वायतम कोशों पर से इलेक्ट्रॉन को त्यागने का कार्य करते हैं, उनकी विद्युतनात्मकता का मान कैसा होता है अधिक, अर्थात वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले विद्युतनात्मकता का मान अधिक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो धनावेश को ग्रहण करेगा, अर्थात इस प्रकार के तत्व जो है क्या कहते हैं धातु के नाम से जाते हैं, और वे तत्व जो प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं पाए जाने वाले इस प्रकार के तत्वों को इनकी विद्युतनात्मकता का मान जो होगा, सॉरी धातुएं जो होती है इनकी विद्युतनात्मकता का मान प्रमुख रूप से कैसा होता है कम, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं त्यागते हैं, इसलिए इनको धातु कहते हैं। जबकि अगर कोई तत्व ऐसा है जो प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण करने का कार्य करता है तो उसकी विद्युतनात्मकता का मान प्रमुख रूप से उतना अधिक कहलाएगा, जितना ज्यादा विद्युतनात्मकता होगा वह तत्व प्रमुख रूप से क्या कहलाएगा अधातु के नाम से क्या किया जाएगा जाना जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो है वह वायतन कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर रहने का क्या करता है कार्य करता है। बहुत से पॉइंट आते हैं, आगे का पॉइंट देखो भाई, सातवें पॉइंट पे आ जाओ, सातवें पॉइंट, सातवां पॉइंट का किसी परमाणु के आयन में परिवर्तन इलेक्ट्रॉन की संख्या के घटने तथा बढ़ने के घटने तथा उसकी पाए जाने वाली उसको बढ़ाने का क्या करता है कार्य करता है। अगर किसी परमाणु के आयन में परिवर्तन कर दिया जाए यानी उसमें इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसमें प्रमुख रूप से जो आयन होते हैं वो परिवर्तित होने का क्या करते हैं कार्य करते हैं। जैसे आप एक चीज के बारे में देखिए, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, देखना समझना जरा बात। जैसे सपोज दैट आप एक चीज के बारे में सोचिए, हमने सोचा सोडियम है, सोडियम इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप इसका बनाने का काम करोगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s, होगा कि नहीं? देखो जोड़ लो 2 4 6 4 10 1 11 है कि नहीं। अंतिम कोष इसका प्रमुख रूप से 3s है, इसके अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान कितना है 1 है, अर्थात ये क्या कर सकता है सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अष्टक के नियम के आधार पर कहा जाता है, अष्टक का नियम क्या कहता है परमाणु के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर उसका व्यवस्था है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रमुख रूप से 8 के लिए क्या करेगा या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा त्याग ले, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना ज्यादा अच्छा समझता है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसके ऊपर कितने प्लस आ जाएंगे एन ए प्लस, देखो 1 प्लस आया अर्थात इसकी पाई जाने वाली जो प्रमुख रूप से परमाणु क्रमांक है इसके मान में क्या हो जाएगा परिवर्तन, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 1 घटा दो इसमें से, अब क्या बचा 2 2 4 और 6 4 10, तो एन ए प्लस का प्रमुख रूप से परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 10 हो गया, हो गया कि नहीं। आप जितने ज्यादा प्रमुख रूप से पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को निकालने का कार्य करते जाएंगे उतना ज्यादा प्रमुख रूप से तत्व के परमाणु क्रमांक का परिवर्तन होने का क्या करता जाता है कार्य करता जाता है। ये पॉइंट आपसे यही कहना चाहता हूं, इसको याद रखिए ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाते, अगला पॉइंट लिखा है, अगली हेडिंग है धन किरण, ये इलेक्ट्रॉन भी आपके पूरे हो गए, नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है धन किरण या कैनाल किरण। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड के स्थान पर छिद्रयुक्त कैथोड को उपयोग में लाने का कार्य किया, जब इन्होंने विसर्जन नलिका में हल्की गैस को भरकर उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया तो इन्होंने देखा कि छिद्रयुक्त कैथोड के पीछे दीप्ति या प्रकाश उत्पन्न होने का कार्य करता है। इन्हीं किरणों को प्रमुख रूप से इन्होंने कैनाल किरणों का क्या दिया नाम दिया। ये किरणें प्रमुख रूप से कैसी होती हैं धनावेशित होती हैं, याद रखना धनावेशित किरणों या प्रमुख रूप से कैनाल किरणों के बारे में क्या है। देखो मैं इसको डिटेल में आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए देख समझिएगा इस चीज को जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझिएगा। ये हमारी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विसर्जन नलिका है, कौन सी नलिका है विसर्जन नलिका, इसमें एक भाग जो होता है एक धातु का जो इलेक्ट्रोड होगा कैथोड, एक होगा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एनोड, जो कैथोड होगा उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा ऋण आवेश, और जो एनोड होगा उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा धनावेश। इन दोनों को हम प्रमुख रूप से एक पाई जाने वाली बोल्ट या पाई जाने वाली बैटरी के द्वारा प्रमुख रूप से जोड़ने का क्या करेंगे काम करेंगे। अब हमने इसको प्रमुख रूप से ऋणावेश है, ऋणावेश को प्रमुख रूप से सदैव क्या किया जाता है ऋणावेश को प्रमुख रूप से सदैव छोटी लाइन के द्वारा प्रमुख रूप से हम लिखने का क्या करते हैं कार्य करते हैं, लिया कि नहीं। और ये आपने जोड़ ली प्रमुख रूप से धन प्लेट, ये हमारी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धनावेश प्लेट को हमने जोड़ने का कार्य किया, ये हमारा जो है ये प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विसर्जन नलिका है, कौन सी नलिका है विसर्जन नलिका, ये है प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हमारा कैथोड, क्या है कैथोड, ये है प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हमारा क्या एनोड, क्या है एनोड, इसमें हमने प्रमुख रूप से हल्की गैसों को भरने का कार्य किया, इस कौन सी गैस को भर लिया हल्की गैस को प्रमुख रूप से भर लिया, हल्की गैस को भरने के बाद यहां से हमने प्रमुख रूप से विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य किया, जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे
तो हल्की गैसें जो है ये विसर्जित होंगी, विसर्जित होंगी तो ये दो आवेशित भागों में टूट जाएंगी। जब कोई कण दो आवेशित भागों में टूटता है तो एक तो बनाएगा धनावेशित भाग, एक बनाएगा पूर्ण से ऋणावेशित भाग। तो ये क्या हो गए, टूट गए। जब ये पूर्ण रूप से हल्की गैस जो है विसर्जित होने का कार्य करती है तो इन्होंने देखा कि छिद्रयुक्त कैथोड की हो, यहाँ पे छिद्रयुक्त कैथोड लिया गया। इन्होंने देखा, गोल्डस्टीन ने देखा कि पाई जाने वाली पूर्ण रूप से छिद्रयुक्त जो पाया जाने वाला हमारी जो छिद्रयुक्त पूर्ण रूप से पाई जाने वाली जो कैथोड है, छिद्रयुक्त कैथोड के जस्ट पीछे प्रमुख रूप से पाई जाने वाली प्रतिदीप्ति या चमक जो होती है वह प्रमुख रूप से उत्पन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। चूंकि पाई जाने वाली प्रमुख रूप से प्रकाशीकरण कहां पर उत्पन्न होने का कार्य कर रही, कैथोड के ऊपर उत्पन्न होने का कार्य कर रही, तो उत्पन्न होने वाली प्रमुख रूप से ये किरणों के बारे में माना गया कि ये किरणें प्रमुख रूप से कहां से चल के आती है, एनोड से चलकर आने का क्या करती है, कार्य करती है। एनोड से चलने वाली इन्हीं किरणों को प्रमुख रूप से हम एनोड किरणों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये प्रारंभ में माना जाता था कि एनोड किरण जो है वो एनोड से निकलने का कार्य करती है। बाद में इस तथ्य को परिवर्तित करने का कार्य किया गया, इसमें यह बताया गया कि कैथोड और एनोड के बीच में उपस्थित जो रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान से प्रमुख रूप से ये प्रकाश की किरणें जो चलने का कार्य करती है, जो छिद्रयुक्त कैथोड की दीवार पर प्रमुख रूप से प्रकाश या चमक या प्रतिदीप्ति को उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य करती है। उत्पन्न होने वाली प्रमुख रूप से इन्हीं किरणों को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली एनोड किरणों के नाम से या धन आवेशित किरणों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखो इसके ऊपर आवेश कौन सा है, धन आवेश। तो ये पाई जाने वाली जो किरणें इन्हीं को हम धन आवेशित किरणों के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसी टॉपिक के आधार पर कह दिया जाता है प्रोटोन की खोज, प्रोटोन के ऊपर प्रमुख रूप से एक धनावेश उपस्थित रहने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इसी खोज के आधार पर प्रमुख रूप से धनावेश किरणें थी, इन्हीं किरणों के आधार पर प्रमुख रूप से प्रोटोन की खोज भी मान लिया जाता है, इसको याद। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे टॉपिक पे आओ, अगले टॉपिक में आएंगे। तो लिखा है, देखो नोट भी मैंने लिख दिया है इसके ऊपर, विशेष तौर पे आप लिखना, धन किरणें एनोड से उत्सर्जित नहीं होती, यह एनोड तथा कैथोड के मध्य रिक्त स्थान में उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें एनोड किरणों के नाम से नहीं जाना जा सकता। अगला देखिए, धन किरणों के गुण देख लीजिए भाई, धन किरणों के प्रमुख रूप से गुण के अंतर्गत आओ। धन किरणों के गुण में सबसे पहला गुण है, इसके कुछ प्रमुख गुण निर्मित है। नंबर एक, सबसे पहला गुण है कि जो धन किरणें होती है वो सीधी रेखा में चलती है, क्योंकि प्रकाश की किरणें हैं कण से मिलकर बनी है, तो जब प्रकाश होता है वो कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलने का क्या करता है, कार्य करता है। तो धन किरणें जितनी भी होती है वो सीधी रेखा में चलने का क्या करती है, कार्य करती है। दूसरे में आ जाओ, लिखा है धन किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बने रहने का कार्य करती है, तो जितनी भी किरणें होती है, कोई भी प्रकाश की किरण होती है वो अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने रहने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इनका निर्माण भी प्रमुख रूप से छोटे छोटे कणों से मिलकर किया जाता है। अगला आ जाओ, सी में लिखा है, ये किरणें विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेश प्लेट की ओर मुड़ने का कार्य करते हैं। देखो इस टॉपिक को समझो, इस टॉपिक को समझिए। अब देखिए, धन किरणों के ऊपर प्रमुख रूप से आवेश कौन सा है, प्लस का चार्ज है। भैया धन किरणों के ऊपर जो पाया जाने वाला चार्ज है वह प्लस का चार्ज है। अब जब प्लस का चार्ज है तो आपने दो आवेशित प्लेटें लगाई, ये लगा ली हमने, एक है प्रमुख रूप से प्लस, एक है पाए जाने वाली ऋणावेशित प्लेट। अब पाए जाने वाले धन किरणों को इसके बीच में जोड़कर गुजारो, इसके ऊपर भैया आवेश है धन प्लस का आवेश है। जब इसके ऊपर प्लस का आवेश है तो हमेशा विपरीत की ओर आकर्षित होंगे, तो ये कहां की ओर मुड़ जाएंगे, ऋणावेशित प्लेट के प्रमुख रूप से मुड़ने का क्या करती है, कार्य करती है। तो आपने लिखा जो धनावेशित किरणें जो होती है, धनावेशित किरणों को जब प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्र से गुजारने का कार्य किया जाता है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से जब भी आप गुजारोगे तो सदैव ये ऋण आवेशित प्लेट की ओर आकर्षित होने का क्या करती है, कार्य करती है, जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रमुख रूप से पाए जाने वाली किरणों के ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित रहता है, धन आवेश उपस्थित रहने का कार्य करता है। चलो आगे आओ, आगे देखो अगला पॉइंट आता है, ये किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऋणावेश प्लेट की ओर मुड़ जाती है, हो गया। इसके बाद ये किरणें प्रतिदीप्ति या चमक को उत्पन्न करती है, तो आपने बता दिया कि छिद्रयुक्त कैथोड के जस्ट पीछे प्रमुख रूप से प्रतिदीप्ति या चमक जो होती है वो उत्पन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। आगे आ भैया आगे लिखा, धन किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करने का कार्य करती है। अब देखो इसको समझो, फोटोग्राफी प्लेट क्या होती है, जिससे तुम फोटो खींचते हो, DSLR पे आपने फोटो खींची, जो फिल्म होती है जो पहले पुराने कैमरों में चलती है वो फोटोग्राफी प्लेट कहलाती है। अब देखो फोटोग्राफी प्लेट को अगर हम प्रमुख रूप से यहाँ पर रख दीजिए, फोटोग्राफी प्लेट रखी हुई है, अब इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर आप प्रमुख रूप से कई धन किरणों को इसके ऊपर डालने का कार्य करो, तो क्या होगा कि जो फोटोग्राफी प्लेट होगी ना, ये प्रमुख रूप से क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, मतलब इसकी जो फोटो जो होंगी वह प्रमुख रूप से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जो भी फोटोग्राफर्स होते हैं, जब वो फोटो को निकालने का काम करते हैं या फोटो को बनाने का काम करते हैं तो अंधेरा रहता है उनके चारों तरफ, अंधेरा ऐसे रहता है क्योंकि प्रकाश की किरण जो होती है फोटोग्राफी प्लेट को खराब करने का क्या करती है, कार्य करती है। अंधेरा करने के बाद प्रमुख रूप से उसको क्या करते हैं, धोने का काम करते हैं, तब जाकर उससे प्रमुख रूप से जो फोटो निगेटिव जो होते हैं वो निगेटिव से प्रमुख रूप से आपके फोटो डेवलप होने का क्या करती है, कार्य करती है। उसके पीछे का कारण यही है कि प्रकाश की किरण जो होती है वह प्रमुख रूप से निगेटिव को या फोटोग्राफी प्लेट को प्रमुख रूप से क्या कर देती है, खराब कर देती है। चलिए आगे आओ,
अगले टॉपिक में आ जाओ भैया। अगला टॉपिक है धन किरण जो होती है, धन किरण फोटोग्राफी पेड़ को प्रभावित कर देती हो चुका है। इसके बाद इनकी वेदन क्षमता, मतलब किसी चीज को पार करने की जो क्षमता होती है, तो इनकी वेदन क्षमता जो होती है कैथोड किरणों की तुलना में प्रमुख रूप से कैसी होती है, कम होती है। अगला लिखा है इनका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के कैसे होता है, बराबर होता है। कितना होता है, लिखा है 1.6726 × 10⁻²− 2 ग्राम होता है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। आप इस चीज को विशेष तौर पर याद रखिएगा, ये जो पाए जाने वाला प्रमुख रूप से इनका द्रव्यमान होता है वो 1.6726 × 10⁻²− 2 ग्राम होता है, ठीक है। आगे चलो, आगे याद रखिएगा इनके ऊपर पाया जाने वाला जो आवेश होता है, इनका आवेश कितना होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, या अगर इसको ESU में निकालोगे तो ESU की मात्रा के अंतर्गत आ जाएगा +4.808 × 10⁻¹⁰ ESU जो होता है वह प्रमुख रूप से इसका मान होता है, या गुणा लगा लीजिए तो याद रखिए +4.808 × 10⁻¹⁰ ESU इसका प्रमुख रूप से क्या होता है, मान होता है। तो ये दोनों टॉपिक जो है इसके प्रमुख रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऊपर विशेष तौर पर याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, इस नोट को याद रखना है भैया, ये नोट जो मैंने आपके सामने लिखा है इसलिए इसको मैंने स्पेशल तौर पे आपके सामने लिखने का कार्य किया। भैया एनोड किरणों को एनोड किरण क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये एनोड से उत्पन्न होने का कार्य नहीं करती, ये कैथोड होता है, एनोड के मध्य में पाए जाने वाले विद्युत स्थान से उत्पन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक जो है वह प्रमुख रूप से क्या होता है, पूरा होता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा, सभी बच्चे बड़े मजेदारी के साथ इस टॉपिक को पढ़ने का काम कर रहे होंगे। बच्चों आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और साथ में पढ़ने का कार्य भी करते रहना है और प्रयास करना है कि अच्छे से अच्छे हम अपने एशिया जैसे स्कूल में एडमिशन लें और अच्छे टीचरों से हम पढ़ने का कार्य कर सकें। इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।